आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से कहा जाता था कि भाजपा जो है यहाँ पर, और अगर हम लीडर्स की बात करें उनको अपने साथ शामिल कर सकते हैं, वाकई में जो कहावत है वो सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो है वो लोग ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। और मैं आपको बता दूं, नीचे आप तस्वीरों में देवेंद्र राणा जी को देख सकते हैं और ऊपर सुरजीत सिंह सलाथिया को आप देख सकते हैं। और ज्वाइनिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत से चेहरे जो हैं यहाँ पर शामिल हुए हैं। वहीं पर हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, हम आपको सीधा भाजपा कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये फंक्शन की बात करें तो ये बीजेपी कार्यालय में हो रहा है, वहीं पर हम बीजेपी हेडक्वार्टर से आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीचे अगर मैं आपको फोकस करके दिखाऊं तो देवेंद्र राणा जी जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही जो है भाजपा का जो है वो दामन जो है वो पकड़ा है, और सुरजीत सिंह सलाथिया जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं, तस्वीरें ये बयां कर रही अभी आपको मैं हाल ही में बता दूं कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग होने वाली है। और जिस तरह से कहा जाता है भाजपा के लिए कि भाजपा जो है इलेक्शन आने के लिए जिस तरह से अगर हम षड्यंत्र की बात करें या कुछ नई चीज़ों की बात करें वो ला सकती है, लेकिन उसी के साथ मैं आपको अभी की तस्वीरें बता रही हूँ भाजपा कार्यालय से। देखिए आप, अगर इस पूरे हॉल की बात बताऊँ तो ये पूरा हॉल यहाँ से वहाँ जो है वो भरा हुआ। आप पगड़ियों में जो है वो लोगों को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अर्षद चौधरी जी को हम बोले तो यहाँ पर जो है वो सब चेहरे जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आप देख सकते होंगे कि पगड़ियों में कितने शानदार जो है वो लोग सजे हुए लग रहे थे। तो वहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से अगर हम कार्यभार की बात करें और जिस तरह से हम बीजेपी की नीतियों की बात करें कि लोग लगातार उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो लोग जो है वो लगातार उनकी नीतियों से प्रभावित हर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें जिस तरह से डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है उन्होंने कदम बढ़ाए, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर लोग वो यहाँ पर जो है वो बीजेपी जो है वो लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो भाजपा कार्यालय मुख्य कार्यालय की अगर बात बताऊं तो यहाँ पर यहाँ पर जो है उनके यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि पिछले जो स्पीकर्स में बात कर रहे हैं रन फॉर यूनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उसको लेकर यहाँ पर आयरन मैन और स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो आज जो है पुराने भारत की 500 से ज्यादा जो छोटी छोटी रियासतें थी प्रिंसली स्टेट पर बैठे थे उनको जोड़कर उन्होंने एक अखंड भारत बनाया। आज उनका जन्मदिवस भी है, तो मैं आज उनके जन्मदिवस की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे वरिष्ठ नेता राणा साहब जी का, साथिया साहब जी का, कि उन्होंने ये आज का दिन चुना जो कि बड़ा ही पवित्र दिन है, बड़ा ही अच्छा दिन है। आप सबको आज के दिन की भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियों से हमारे लोकपुर जी का हम सम्मान करें, आज हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, क्योंकि आज अगर चाहे डॉक्टर मुनियाल यहाँ खड़े हैं, चाहे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये अखंड भारत का एक जो सपना था लोकपुरुष हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी का, वो सपना उन्होंने पूरा किया और आज उसकी बदौलत हिंदुस्तान जो है एक विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। तो इसे विश्व गुरु बनाने में मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े नेता जो है उनका। मैं इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो एसटी पहाड़ी कम्युनिटी के लोग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी शानदार लग रहे हैं पगड़ियों में। मैं आपको अगर यहाँ से तस्वीरें दिखाऊं और वहाँ तक आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं शानदार और खूबसूरत पगड़ियों में जो इनकी आन बार और शौन है, देखिए आप उसको लेते हुए आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जो है शामिल है। देखिए पीछे अगर आपको फोकस कर दिखाएं, वहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो सफेद कलर की जो है पगड़ियों में बैठे, और जिस तरह से हम बात करते हैं आन और शान की, बिल्कुल आज जो है इसमें जो शामिल हुए हैं और कई एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और आप ह्यूज एक राश देख रहे होंगे कि किस तरह से बीजेपी जो है वो लगातार उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी की पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं जब भारी मात्रा में लोग शामिल होते हैं तो उसमें जो है पार्टी जो है वो स्ट्रांग भी होती है। तो लगता है इस बार जो आने वाले चुनावों में बीजेपी ने अपना एजेंडा जो है सेट कर लिया है, और किस तरह से उसको मजबूत बनना है और किस तरह से उसे लोगों के बीच में जो है आकर कार्य करना है, तो इसके लिए वो भली भांति जो है वो उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। तो देखिए
मोदी साहब का नारा लाओ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शाबाश